चिट फंड कंपनी द्वारा दुगनी रकम देने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने के आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर एक पीड़ित परिवार ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। थाना नाथवनी अंतर्गत दसवां घाट निवासी सरदार कुंवर बहादुर सिंह बृहस्पतिवार को अपनी पुत्री शिवानी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा उनसे लाखों रुपए की ठगी की गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित सरदार कुंवर बहादुर सिंह ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, 10,000 करोड़ का घोटाला किया हमारे भांजे ने और कंपनी ने उनकी, जिसमें हमारा 21,30,000 रुपये हमारा है, एक हमारे बड़े भाई का है 7,00,000 रुपये और एक हमारी मुंहभोली बहन है उसका 3,00,000 रुपये है, एक हमारे पड़ोस में रहती है विधवा उसका 82,000 रुपये है, एक मंडी समिति में रावत रहते हैं उनका 1,50,000 रुपया है, इसमें से 82,00,000 रुपये मुरादाबाद का उसने घोटाला किया। वो रहता है मंडी धनोरा जाट ऑफ धर्मशाला के पीछे, कमल सिंह भल्ला बाप का नाम, बलबीर सिंह भल्ला स्वर्गीय। अब हमने जब उसे जेल पहुँचा दिया उसकी जमानत हो गई, वो कहता है पहले तो कहता था पैसे दूंगा मैं, अब कह रहा मेरे पास कोई पैसा नहीं था मुझे गोली मार। और इसमें 23 FIR गुड़गांव में थाने में हुई है, गुड़गांव में हुई है और 1 FIR 3 मार्च को थाना नाथपनी में हुई है। ये मुरादाबाद जनपद में ये चिट फंड कंपनी द्वारा कितना घोटाला किया गया? 82,000 का 82 लाख का 82 लाख जी मुरादाबाद जिले का। इसमें तो बहुत लोग हैं साहब, खुल के कोई नहीं आ रहा, कह रहा जी हमारा तो पैसा मर गया, हम और वकीलों को देके क्यों परेशान हो, मैं इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा। किस नाम से थी कंपनी ये? थी श्री राम बिल्टेक जी, श्री राम बिल्टेक। श्री राम बिल्टेक कहाँ था इसका ऑफिस? इसका ऑफिस था गजरोला। अब आप SSP साहब के यहाँ किस क्या शिकायती पत्र है आपका? अब जो हमारा केस थाना नाथपनी में है तो वहाँ SSI जो इसको डील कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो गया, अब ये केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो हमने कभी इसे क्राइम ब्रांच को पुटअप किया जाए।